काकरी डूंगरी पर वो लोगों को बिठाया किसने था? पर कोई पेशाब करता है उसके मुंह पर, इसके लिए बिल प्रदेश चाहिए। इसको समर्थन करेंगे? मेरी कौम के साथ में बैठ करके लोग खाना खाना पसंद नहीं करते, इसलिए बिल प्रदेश चाहिए। बराबर है? मेरी कौम के साथ बैठ करके एक मटके से पानी नहीं पीना चाहते लोग, इसके लिए मैदान है, उनको खोदेगी, उनको अधिकार मिलना चाहिए। वो सोने का परिशोधन करेगी और बेचेगी, ये हम चाहते हैं। लेकिन आदिवासी के पास पैसा नहीं है, तो पैसा कहां से आए? तो जिला कलेक्टर है वो अपने नेतृत्व में सहकारी समितियों को सरकारी बैंकों से पैसा दिलाए, प्राइवेट बैंकों से पैसा दिलाए, वो जो बैंकें आदिवासियों को लोन नहीं देती है सोना खन के लिए, उनको बिल प्रदेश बाहर चले जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन कौन मानता है इस बात को? ये प्रस्ताव आज से पारित बांसवाड़ा की धरती से, ये होना चाहिए। और जितनी बिजली की है बड़े बड़े टावर लगा रखे प्रतापगढ़ में, आदिवासियों की बिजली चार चार पांच पांच घंटे काट देते हो, और शहरों में तो दिन को भी बिजली चलती है। और तुम कह रहे हो कि हम आदिवासियों के साथ ये कर दिया, हमने वो कर दिया, क्या किया बताओ तो? क्या किया? एक और अहम बात, तुम्हें दागी किया होगा, जाना नहीं है किसी को। पेशाब करता है, मेरी कौम के ऊपर कोई पेशाब करता है उसके मुंह पर, इसके लिए बिल प्रदेश चाहिए। इसको समर्थन करेंगे? मेरी कौम के साथ में बैठ करके लोग खाना खाना पसंद नहीं करते, इसलिए बिल प्रदेश चाहिए। बराबर है? मेरी कौम के साथ बैठ करके एक मटके से पानी नहीं पीना चाहते लोग, इसके लिए बिल प्रदेश चाहिए हमको। कल परसों भीलवाड़ा की बात है, तीन साल से मांग कर रहे लोग, आसिन में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहते हैं, प्रशासन ने इजाजत दे दी, लेकिन दबंग लोग मूर्ति नहीं लगाने दे रहे, इसके लिए बिल प्रदेश चाहिए हमको। इसके लिए चाहिए राणा पूजा भील, टंटा भील, अंबेडकर साहब, बिरसा मुंडा की मूर्तियां लोग तोड़ते हैं, इसके लिए हमको बिल प्रदेश चाहिए। जिस गांव के अंदर 25% आदिवासी रहते हैं वो गांव शेड्यूल एरिया होना चाहिए। जिस गांव के अंदर 25% आदिवासी रहते हैं वो गांव शेड्यूल एरिया होना चाहिए। इससे राजस्थान का आधा इलाका शेड्यूल एरिया हो जाएगा, गुजरात का आधा इलाका शेड्यूल एरिया हो जाएगा, मध्य प्रदेश का भी आधे से ज्यादा शेड्यूल एरिया हो जाएगा। और ये राजकोट वाले भाई किधर गया हमारा? राजकोट वाले, उनका इलाका भी शेड्यूल एरिया हो जाएगा। उत्तम भाई, और एक बड़ी बात, काकरी डूंगरी पर वो लोगों को बिठाया किसने था? उस समय के अखबार देख लो, उस समय के वीडियो देख लो, एमएलए एमपी के वीडियो देख लो, किसने बिठाया था? सरकार के लोगों ने बिठाया था, यहां के स्थानीय नेताओं ने। क्यों? भील आरक्षण समन्वय समिति किसने बनाई थी ये जांच करिए। आदिवासी परिवार को रोकने के लिए, पंचायती राज चुनाव में लाभ लेने के लिए इन लोगों ने हमारे विरोध में काकरी डूंगरी आंदोलन शुरू करवाया। और सबसे पहले हमारे ब्लॉक में ज्ञापन दिया, इसके बाद डूंगरपुर में कलेक्टर के बाहर धरने पर बिठाया लोगों को, और इसके बाद इन्हीं नेताओं ने पैसा दिया, टेंट
दिया, खाने की व्यवस्था दिया और वह काकरी डूंगरी पर बिठाया। और इसके बाद ये सभी नेता गए और इसके बाद हमारे लोगों ने कहा, सोचा कि नैतिकता का, सामाजिकता के नाते हमको जाना चाहिए। हमारे लोग गए, गए सब हुआ। और इसके बाद में कई नेताओं ने अपने समर्पक लोगों को योजनाबद्ध तरीके से गुजरात लाइन से काकरी डूंगरी भेजा। गुजरात लाइन से राजस्थान के नेताओं ने गुजरात के रास्ते से यहां भेजा, योजना बनाकर। और काकरी डूंगरी से नीचे पहाड़ी पर इन लोगों को इकट्ठा किया, दारू पिलाया, आक्रामक नारेबाजी की और फिर हाईवे जाम कर दिया, पुलिस प्रशासन पर पथराव किया। और ढाई घंटा बाद वो धरनार्थी थे, वो नीचे आए। ये बात सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सही है गलत है? धरनार्थी ढाई घंटा बाद आए, आज तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया। वो धरनार्थी थे, उनको भी नहीं पकड़ा। वो धरनार्थी और उपद्रवियों के बीच में पाठ में आदिवासी परिवार को पीसा गया और 7,000 लोगों पर एफआईआर हुआ। सोचे ये कितना बड़ा षड्यंत्र था, ये बात समझना पड़ेगा। और रास्ते चलते दो बच्चों पर गोली चला था, रास्ते चल रहे थे दो बच्चे। और फिर ऐसे पुलिस गाड़ी को सुन दिया, बिना सरकार दिखी। इस बात को याद रखना हो। और हमारे बाबा कितनी प्रकृता, हमारे बाबा की रीति प्रकृति ने अरज करता, हमारे बाप दादा की रीति पूर्वज ने अरज करता, एक हाथी उबा दाता ने वसन करता, हे मालिक हमें तुम्हारा सोरा है, हमें तुम्हारा बेटा हम अठिया, तुम्हारी पां केटे हमें पड़ी बेचा हा, तुम्हारो आलेलो में खा पिया हा, हमारे माता दुख अब जो है दुख की घड़ी में हमारे वारे सट दो ने हमारा वेरियन नाश कर दो, एक हमारा बाप दादा अरज करता। आज मानगढ़ तक ही हमें अरज करो कि आदिवासी परिवार ना दुश्मन, आदिवासी घर ना दुश्मन, वीर ना दुश्मन नो नाश था दे। सब ताली तो वजाड़ी नहीं दी, हड़ा श्यार वर्त तमी वाद मानो, लेकिन 100 महीना लास्ट में एक पोटली में वैसा ही जो हड़ा श्यार वर्त तमी मानो ने लास्ट में एक पोटली में वैसा ही जो अड़ा हमारे मध्य प्रदेश पहले नंबर हासी वादे जुटी। और गुजरात वाले ने तो एम है के हड़ा श्यार वर तक हमें समाज में काम करेंगा, पर लास्ट दाड़े हमें समाज ने भूली संगा लास्ट दाड़े तेंदर आंखें बंद कान बंद ऐसे काम नहीं चलेगा। दक्षिणी राजस्थान के भीलों ने मुगलों की गुलामी से राजपूतों को बचाया, ये बात सही है? तो दक्षिणी राजस्थान के भीलों ने यह प्रण लिया है, यह शपथ खाई है कि पूरे देश के आदिवासियों को आजाद करके रहेंगे हम लोग। बिल प्रदेश भी बनेगा, कोटवाना प्रदेश भी बनेगा, यह हम लोग ऐलान करते हैं आज से। पूरे देश के आदिवासियों को जोड़ के हम बैठेंगे, चैन की सांस भी लेंगे। और बार बार कहा हमने कि भारत देश का सबसे बड़ा आदिवासी समाज वीर है, तो वीर सबको पालेगा, सबकी सुरक्षा करेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आज से मैं कहना चाहता हूं मानगढ़ से, जियो और जीने दो के सिद्धांत के साथ आदिवासी परिवार को आज के बाद चलना है। ये सोगन खाइए हाथ ऊंचा करके, शांतिपूर्ण अस्तित्व को मानना है हमें, सबके साथ समान व्यवहार करना है,
ये बात हमें आज से यहाँ से आगे बढ़ानी है, ये बात हम कहना चाहते हैं। और जो लोग आदिवासी परिवार को तोड़ना चाहते हैं, जैसे कुत्रो है तो पहले क्यों विरोध करें है, कुत्रो है तो पहले क्यों विरोध करें है, मन तो बेटा ना हुआ थी कुत्रो है तो पहले क्यों विरोध करें। कुत्ता कुत्ते का ही विरोध करता है, कुत्ता चाहता है कि भाई मैं कहां तक चला जाऊं, पर वो उसके परिवार वाले उसको जाड़ने देते। तो ऐसा ही अपने आदिवासी परिवार में हो रहा है कि हमारे साथ के लोग ही हमारा विरोध करते, आज खुल करके विरोध कर रहे, तो उनका भी ना सुना चाहिए। इस डॉग कैरेक्टर को हमें त्यागना चाहिए। बराबर है, एक और बात, एक और बात, हमारे हो है एक हेडो, हेडो कप्पानी आदत है, एक हेडो हमारे बाजी खिड़ी नाचो तो तरगार नहीं लूगा भेजो, यानी आदिवासी की इतनी भी गलती स्वीकार नहीं करते हो आप लोग, और दूसरा आदमी तुम्हारा खेत ले ले, दूसरा समाज का आदमी तुम्हारा जंगल ले ले, तुम्हारी जमीन ले ले, तो तमने आगने लगती है। इस तरीके का विचार भी हमें त्यागना चाहिए। और एक आजकल हमने देखा है कि हमको बदनाम करने के लिए लोग सड़कों पर पत्थरबाजी करवा रहे हैं, हो रहा है ना? तो अब तक जितने लोग पकड़े गए उसमें एक भी आदिवासी परिवार का समर्थक नहीं। हमारे जोधपुर में पत्थरबाजी में एक लड़का मर गया, बच्चा छोटा, गाड़ी के पीछे महिला का बच्चा था हाथ में, उसको पत्थर लग गया, 80 बच्चे गिरफ्तार किए उस गैंग में, 80 बच्चे, और वो बच्चा किस घर का निकला आप सबको पता है, विचार करिए। ये राजनीतिक लोग आदिवासी परिवार के कारवा को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने बार बार कहा है कि दिन को दारू नहीं पीना, और मैंने अभी आज कहा है आपको सबसे पहले आज के बाद कोई भी ऐसी घटना घटती है तो सबसे पहले वहां के थानेदार को ज्ञापन देना है कि तुम्हारे इलाके में कितने अवैध शराब के ठेके हैं, वो पब्लिश करिए, अखबार में दीजिए, कल ये थानेदार को बोलना है। और यदि वो नाम में नहीं आया ऐसा अवैध ठेके वाला हमने पकड़ लिया तो हम उस थानेदार को भी कटघरे में खड़ेंगे, कोर्ट में लेके जाएंगे। अवैध शराब कोर्ट बेचता है सबको पता है, उसकी बिक्री हर हाल में रोकनी चाहिए, हर हाल में। तो ये पत्थरबाजी अपने आप रुक जाएगी, ये लोग आगे बढ़ाकर कैसा काम करते हैं। तो आप लोग आज बहुत सारी बात आपने सुनी, इतना उमस भरे माहौल में आप यहाँ बैठे परेशान हुए, और बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी, और आप यहाँ पर आए जिस तरीके से आप आराम से आए हो ऐसे ही आराम से आपको घर जाना है, किसी प्रकार की कोई हड़बड़े नहीं करना है, और इसी तरीके से समाज के आह्वान पर आप जो एक लाइन और अपने अपने जिला मुख्यालय पर विश्व आदिवासी दिवस बड़े जोर शोर से मनाना है ये